मैं घनश्याम कुशवाहा जी न्यूज निचलौल महाराज। अब पहुंचे हैं निचलौल थाना के अंतर्गत ग्राम सभा मिश्रौलिया में। यहाँ रात को डोल को लेकर के दो पक्षों में विवाद हो गया और इनका पत्थर भी चलने की सूचना मिली है। जिस बच्चे का चोट लगा है उस बच्चे से जुबानी सुनते हैं कि कैसे चोट लगा और कब लगा। आइए सर। घर के गार्जियन को क्या हुआ था? डोल लेकर वो जा रहे थे, घर से गए और वहाँ जाकर मस्जिद के पास लोग ईंटा पत्थर चलाने लगे, धाजा लोग दिया ईंटा पत्थर चलाने लगे, इन लोगों को चोट लग गया। क्या नाम है आपका? किस ग्राम सभा के निवासी है? मिश्रौलिया में है, मिश्रौलिया में। नाम है आपका? बच्चे का उम्र कितना? बच्चे का उम्र 13 साल का। तो बच्चा शाम को गया था, डोल निकला था? हाँ, डोल निकला था, उसी मसरिया नाचते गाते जा रहे थे लोग, उसी में भी गया। अच्छा, कैसे लग गया चोट? वहाँ ईंटा पत्थर जब चलाने लगे लोग मस्जिद पर तो उसी में लग गया। मस्जिद मस्जिद पर से चला कि मस्जिद पर से चला? मस्जिद पर से चला, ऊपर से चला मस्जिद पर, उसी छत पर चला। हम बच्चे से पूछते हैं, गार्जियन से, तो आपने सुना, हम बच्चे से पूछते हैं कि घटना कैसे हुआ? बाबू चोट कैसे लगा? हम लोग जा रहे थे डोल उल लेकर के, तो वो लोग झंडा खींच लिए और लगे सब गाली उली देना और झंडा ला चल कर बेच दिया हमारे ऊपर। तो एक लोग बोला पुलिस वालों को कुछ नहीं कर पाएंगे, आना है तो आके दिखा दो। तो एक लोग 5-6 से पत्थर चलाया तो मुझे आके लग गया, बस कपार उपार फट गया, मैं गिर गया था चक्कर। अच्छा, क्यों पुलिस की व्यवस्था नहीं थी क्या वहाँ पर? थी, लेकिन मान नहीं रहे थे सब, पत्थर चला रहे थे सब, लगी बहुत लोगों को था और भाग, सभी लोग भाग रहे थे घर से उधर। आप बच्चे की जुबानी सुन रहे हैं, डोल निकला हुआ था अचानक मस्जिद के सामने पहुंची और वहीं से झंडा को नोच दिया गया और ईंट पत्थर मस्जिद से चलने लगी। इस ईंट पत्थर से बच्चे का जो चोट लगा है वो आपको दर्शाता है कि बच्चे का सर फट चुका है। जी न्यूज घनश्याम पुटवा के। इकट्ठा हो जाओ तो गांव के सभी लोग लाठी डंडा चाकू को लेकर के मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। पुलिस प्रशासन चूंकि था, कम संख्या में था, उसने भी बीच बचाव कराने का प्रयास किया, कंट्रोल किया, अपने लोगों को हमने आगे भेजने का काम किया। वहीं जहां से उनको बल मिल रहा है उनके दरवाजे सैकड़ों लोग लाठी डंडा लेकर के खड़े हुए थे, उन लोगों ने कोई बात नहीं की उनको भगाने की। जब हमारे इंस्पेक्टर पुलिस प्रशासन आया है उन्होंने उनको खेदने का काम किया है, तब जा करके दूसरे समुदाय के लोग वहाँ से गए हैं। लिहाजा पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, हम अपेक्षा करते हैं, सबका सहयोग है। रात में डिस्ट्रिक्ट एसपी वगैरह भी आए थे, तहसीलदार साहब सब लोग आए ही थे, एसईओ साहब, सब लोगों ने उसको कंट्रोल किया है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे लोगों को कठोर से कठोर जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे गांव का अमन चैन बना रहे, यही हमारा कहना है। पुलिस प्रशासन के लोग इस वक्त मौजूद हैं, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, अब तो कहीं से किसी प्रकार का भय नहीं दिख रहा है? कहीं कोई प्रकार किसी भय नहीं है। तो पहले बार छोटी मोटी घटनाएं होती रही हैं, कई बार जाने पर पत्थर चलता रहा है, हमारे लोग कई बार इस उसको दबाने काम किया, हम लोगों ने तो हमेशा उसको मैनेज करने का काम किया है कि हम सब लोग मिल मिला करके एक साथ रहें। ये हमारी दो महिला है, इसका हाथ रात में फ्रैक्चर हो गया, इसके ऊपर लाठी डंडे से प्रहार किया गया, उसको स्थिति को नियंत्रण में कर रखा है।